डेलीगेट्स भारतीय कला और संस्कृति से बखूबी रूबरू हो सके, इसके लिए जहां भी डेलीगेट्स पहुंचते हैं वहां की रौनक देखते बनती है। न सिर्फ साज सज्जा के माध्यम से बल्कि भावनात्मक रूप से भी भारतीय संस्कृति की उनके दिल में छाप छूटे, इसकी पूरी कोशिश वहां के लोगों की रहती है। इसी क्रम में जब विदेशी मेहमान हरियाणा के झज्जर पहुंचेंगे तो उन्हें हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। G20 डेलीगेट्स को हरियाणा की पारंपरिक कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य के साथ साथ कृषि से भी अवगत कराया जाएगा। साथ ही मेहमानों को हरियाणा की लजीज पकवानों से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। ऑलमोस्ट सब तैयारियां कर ली हैं, जिसके अंदर हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल और एग्रीकल्चर से लेकर सब चीज़ें जो है यहाँ दिखाई जाएगी। और इस साल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनट्स ऑफ ईयर घोषित किया हुआ है, जिसमें मोटे अनाज से बने हुए पकवान हम जो है विदेशी मेहमानों को परोसेंगे, जो कि सब तैयारियां हैं। क्या कुछ खास रहेगा? खास इसमें बाजरे, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, चूरमा, बेसन के लड्डू, हरी चटनी, लहसुनी चटनी, सरसों का साग, इस तरह की जो है हमारी जो कल्चरल से रिलेटेड चीज़ें हैं और सारा जो सिस्टम रहेगा उसी के हिसाब से हमने सब तैयारियां की हुई है। इसमें हमारा पेवर छाछ रहेगा, देसी घी का चूरमा होगा, गुलगुले, बाजरे खिचड़ी घी बूरे के साथ, ये सारी जो है मोटे अनाज से बनी हुई चीज़ें रहेंगी। हरियाणा ही कल्चरल में हमारा जो हरियाणा का फोक डांस होगा, नगाड़ा रहेगा हरियाणा का, और जो लेडीज संगीत होते हैं गाँव के अंदर जो लेडीज संगीत गाती है वो रहेगा। इसी तरह जैसे हमारे यहाँ पीढ़ा मेकिंग, खाट बुनने का, दरी मेकिंग होगा, और इसके अलावा जो है दरी के अलावा जो है दोलडे वगैरह बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। यहाँ पर तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का भी यहां पर खास ख्याल रखा गया है। G20 के जो डेलीगेट्स हैं, जो अपनी मीटिंग जो कर रहे हैं, उसके बाद हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने के लिए अपने झज्जर जिले में आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सुरक्षा को लेकर कुछ? निश्चित तौर पर जो भी प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी की जाएगी। उसके लिए एक ड्राई रन हमने कल किया है और आने वाले समय में फिर से भी हम इसकी रिव्यू करते रहेंगे और अपनी तैयारियां समय समय पर ठीक करेंगे। एक आइडिया बताया जा रहा है कि करीब 200 लोग आएंगे, तो शहर भर में भी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? नहीं, तो देखिए हमारे G20 के मेहमान हैं, डेलीगेट्स हैं, पूरे दुनिया से आ रहे हैं वो लोग, 20 देशों से चल करके आ रहे हैं, तो संदेश तो यही है कि हम बहुत अच्छे उत्साह से उनका स्वागत करेंगे।